हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक बाइक राइड पे। एक 4-5 दिन पहले ही प्लान बना था, 2 दिन की छुट्टी आ रही थी संडे बंडे की, तो भाइयों ने प्लान किया कि चलते हैं कहीं। उत्तराखंड जा रहे हैं और लिया लैंसडाउन, देखो कहाँ जाते हैं। मैं उठ गया हूँ और बाकी सब भाई भी उठ गए हैं। अब देखो कहाँ कहाँ जाते हैं। यहीं मिलते हैं हम करनाल बाईपास। अभी रेडी होता हूँ, फ्रेश फ्रेश होके मिलते हैं। आकाश भी उठ गया नीचे, 4 बज रहे हैं अभी, 4:30 5 बजे मिलेंगे सारे यहीं पर करनाल बाईपास। निकलते हैं, 2 दिन का टूर बाइक का, देखते हैं कैसा जाता है कैसा नहीं। वैसे तो मस्ती जाएगा। अभी फ्रेश फ्रेश होते हैं, कपड़े वपड़े पहनते हैं। कपड़े वपड़े रात को पैक कर लिए थे, पैक क्या निकाल लिए थे, दो 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 जोड़ी, तो पहनते हैं और निकलते हैं। कुछ खाते पीते भी हैं यार, भूख लग रही है, थोड़ा हल्का फुल्का खा के जाएंगे। बाइक में पेट्रोल भी भरवाना है, फुल करवानी है टंकी, वो भी करवाएंगे। जो जो कराते हैं और मिलते हैं, सब दिखाएंगे जो जो होता है। ओके, बने रहिए। तो गाइस, मैं तो हो चुका हूँ रेडी। कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बताओ। ये भाई सब अभी नहीं हुए। राम राम भाई, सारे आने हैं। आज है 1 अक्टूबर, आज हम जा रहे हैं घूमर ताई। अब ये नहीं बताएंगे भाई कहाँ जा रहे हैं हम। इंटर हो चुकी है, हमने बता चुके भाई। रेडी, बैकपैक हो गया, बैकपैक हो गया एक ही वाला, बस ये वाला नहीं वाला। इसमें दोनों दोनों भाइयों के कपड़े डाल दिए, एक एक जो एक 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 जोड़ी डालने थे, डाल डूल के पैक कर चुका हूँ। अब चाय बनाई है भाई ने, चाय पीते हैं। कुछ और बना देता साथ में यार, भाई इतना टाइम को नहीं। तो भाई बताना तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। नीचे की पूरी आउटफिट तुम्हारे भाई की ग्रे है, ये देखो ये ग्रे, अंडरवेयर के ग्रे, लाल ग्रे। हद दिया भाई, चाय बस मस्त बनी थी वैसे। मैंने तरह उधर ला दिया गले में खाली छोड़ दिया मेरे जूते, मेरे जूते वो देखो गाइस, वाइट कलर के पीछे की साइड। चलो भाई, काले धंधे काले काम। तो अब हम निकलते हैं, फोन कर दिया, पैसे कर दिए ना, मैंने भी कर दिया मैसेज, वो भी निकल रहे हैं। उनको 10-15 मिनट लगेंगे टोल बाग से यहाँ तक आने में, फिर हम भी निकलते हैं। पेट्रोल फुल करवाना है बाइक में, थोड़ी सी हवा भरवानी है। हवा तो वैसे सही है, वैसे भरवा लेंगे, पूरी चेक करवा के बाइक वाइक ओके है, सर्विस वर्विस करवाई रखी है, वो भी करवा के निकलते हैं। मम्मी पापा की सर्विस करवा रखी है, पेट्रोल लगवाना है। स्कूटी से चलेगा और भाई भाई माल डाल लुके। चलो गाइस, जूते वूते पहनते हैं, सबको बाय बाय करते हैं और निकलते हैं ट्रिप के लिए। एक बढ़िया से ट्रिप के लिए मुझे भाई, हमने गालियाँ भी बहुत सुनी, ऐसा नहीं हम घूमते रहते हैं, हम गालियाँ भी बहुत सुनते हैं। हाँ, घूमने के चक्कर में पापा से पूछा, पापा डांट रहे थे, पर बाद में मानने कहते कमाना वमाना नहीं है, कमाना तो लगा रहता है, कमा किस लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ना, घूमो फिरो मौज लो यार। फोन चार्ज तेरा मेरा 83, मेरा 94 है। फोन चार्जिंग पे भी लगा दे थोड़ी देर, इतने जूते वूते पहन ले। गोलू ने भी बोला है, पढ़ लिया निकल रहा हूँ, राम राम भाई सारे आने हैं। मिलते हैं, मजा आएगा वैसे टूर पे भाई साहब, सब जा रहे हैं मस्त बंदे। कौन टी भैया, गोलू और एक और गोलू है ना,
और किसी का पता नहीं है बाकी वो बोलू आया नहीं वो भैया को छोड़ने आया हमने क्या अच्छा फोन पे लगा छोड़ने आया यहां तक वो अलमान बंद छोड़ने के लिए शायद से क्या पता भाई तू यार देखते हैं कौन कौन जा रहा है रास्ते में मिलाएंगे अभी नहीं मिलाएंगे हमारे लिए सस्पेंस है हमारे लिए भी सस्पेंस सही बात है अब मिलाएंगे बाद इतने हम तो रेडी हो जाए हम तो रेडी हो ही चुके हैं वैसे चौपाई भेज दे चौपाई पढ़ ले तेरा फेस तो दिख नहीं रहा क्यों नहीं दिख रहा दिख रहा ऐसे करके दे फीस ही पैसा रे बाय पापा हां अब उठ जाए चलो सो जाओ बाय पापा बग्गी करो एक बार करोगे खड़ोगे दोनों पापा बग्गी करो तो खड़ोगे ध्यान रखना दोनों ठीक है मम्मी का ध्यान रखना आप ठीक है बाय बाय अब देखो आपको लगता होगा कि हमारी जिंदगी की देखी मैंने गाड़ी सो गई हम उठाते साथ ही गाड़ी जाओ ना इस टाइम नहीं मिलेगी इस टाइम नहीं मिलेगी देखते हैं जाते हो पहले कैमरा सेट कर देते हैं पापा मिलते हैं अब पेट्रोल भरवाते फिर उनको जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पर तो हम पहुँच चुके हैं भाई पास अभी हम गिरवा रहे पेट्रोल ये भैया एकदम सीरियस दन्नो फुल रहेगी आज तो गाइस हम वहाँ पहुँच चुके हैं आ गए हैं भैया और भैया क्या हाल है बढ़िया और भाई बढ़िया ओ गोलो क्या हाल है रेडी अब क्या हाल है बढ़िया हेलमेट लेके भाई बढ़िया कहाँ जा रहे हो तुम उत्तराखंड ये देखो मजा आएगा ये हमारी लुगाई तैयार हो गई गाइस हम पहली बार चलाएंगे पहाड़ों में गाड़ी मतलब बाइक सॉरी चलते हैं हम भी रेडी हो चुके हैं एक स्नैपचैट बना ले ये भाई साहब पूरा रेडी हो गया जैकेट वैकेट भाई साहब मना कर रहा था जैकेट की नहीं जैकेट नहीं मिलेगी अब चुप्पी हो जा भाई साहब भाई क्यों हो जाए बूस्ट हो गए हम देख के ये हमारा डिस्टरबेंस है हमारी बार बार ये बार बार कुछ ना टोकता रहेगा ऐसा हेलमेट देखा था मैंने मस्त लग रहे जैकेट बस अबे टी शर्ट अच्छी लग मांग के लाया भैया साले उनके पास दो थी एक हमारे भी लाने का लेकिन उनके पास एक ही थी एक उनकी दीदी हाँ तो दीदी वाली पहन लेते हैं हम उनकी भी लेंथ डाउन लगा दो अरे ये कह रहे हैं पहले ऋषिकेश तो पहले ऋषिकेश चलते हैं ना वहाँ से देख लेंगे यार सीधा लेंथ डाउन चलते हैं ना लेंथ डाउन चलने छः घंटे का दिखा रहा है अगर बीच में ऋषिकेश आएगा रुक जाएंगे तो ऋषिकेश तो आएगा ही ना शायद बीच में नहीं लैंड डाउन के लिए फिर रास्ता अलग कहाँ है हाँ डायरेक्ट जब वहीं पे चलना है तो वहीं पे चल लेते हैं सर कभी भी चले जाते हैं आते टाइम ऋषिकेश देख लेंगे और क्या ऐसे कर लेंगे आते टाइम देख लेंगे ओके गाइस तो मिलते हैं बीच में स्टॉप करते हैं और मिलेंगे अब लैंड डाउन जा रहे हैं तो वहाँ पे मिलते हैं इधर आना मैं बेचारे का बर्थडे कैसा बन रहा होगा यार गड्ढे बैग पैक के मार
गड्ढे में बैक बैक के मार रहे मार मारी। हम पहुंच चुके हैं छोटे हाईवे पे, भाई का बर्थडे है और भाई ब्रेकर बर्थडे पूरा ब्रेकरों में ब्रेकरों में बना भाई का बर्थडे। नहीं मैं तो पहाड़ों मनाली मनाली में जाता हूँ ना, तो मैं मनाली में बाइक उठा लेता हूँ। ये देखा ना भाई रोड कैसा लगा? ये माइक से रोड बढ़िया था एकदम प्लेन। के चक्कर में हमने 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर रहे हैं। चल चल मेरे चक्कर में क्यों? वो बंद कर दे बैटरी, बट ब्यूट डाउन हो जाएगी बाइक, वो बंद कर दे। मेरे भाई की स्ट्रगल रुके क्यों हो? मगर ये आकाश आपने तो बोला टाइम तो बोल साल तुम गए तो है नहीं यहाँ चल रुको रुक भी गए कुछ ले ली। ये देखा ये देखा इसका पैर पैर और दल गया। मैं चक्कर में क्यों चला? सारा ही खुद की गलती चला है। सिग्नेचर ब्रिज पे तूने नहीं साइड मोड़ ली, ये लेना लेफ्ट लेना, ये एकदम कूदने लगा है, हो गया इसका चिप कूद के कर मेरे को रोक लेता आ गया। मनी ओ मनी मनी क्या कर रहा बोलो भाई? मैं नहीं बोलता, मेरे को बात करना है ऐसे में कुछ बिस्किट बिस्किट है वो गुफा। अरे बंद हो गए गुफा, बंद हो गए गुफा, अभी अभी बंद हुई है अभी अटल टनल भी चाले। चेक करो गाइस हालत खराब। पहला स्टॉप हमारा चूतड़ों का बतासा बन चुका है भाई साहब, बहुत गंदी हालत हो गई रास्ता भाई। हाँ ये मेरठ वाला जो सही था, ये हाईवे पे काम भी चल रहा था ना। अब भाई यहाँ पे रुके हम, पहला स्टॉप लिया है ढाबे पे हमने, हाथ मुंह धोए कुछ खाए पिए, 10-15 मिनट रुक के फिर चलेंगे। क्या खाते हैं सब बताएंगे देख। गाइस हमने लिया पहला स्टॉप, अब पूछते रास्ते का एक्सपीरियंस। बोलो भाई बाइक चलाने में क्या मजा आता है? भाई जो भी आऊँ यहीं से आना बहुत अच्छा। क्यों मतलब क्यों इतना अच्छा रास्ता क्यों है? एकदम नहर साथ चल रही है, पेड़ है मस्त और पहाड़ जल्दी दिखते हैं यहाँ से जल्दी दिखते हैं। और कुछ मतलब कुछ मुश्किल रास्ता मतलब कुछ ऐसा लगा हो? नहीं थोड़ा बहुत पैच है गड्ढे वाला, बाकी एकदम प्लेन। ब्रेकर तो दिखे ही नहीं, ब्रेकर थोड़े ज्यादा है क्योंकि गांव के बीच में से निकलते। और भैया आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया रास्ता है भाई, नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो इसी रास्ते जाओगे? नहीं नहीं मैं आऊंगा ही नहीं। और ये आपके भाई के चक्कर में हुआ है? भाई के तूने भी बताया था ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता। अब मेरा एक्सपीरियंस भाई बहुत ही गंदे भाई, हम ना हाईवे ढूंढते ढूंढते हम 150 किलोमीटर चल लिए हाईवे ढूंढते ढूंढते। और भाई अभी कह रहे हैं यहाँ पे डब्बे वाले भैया कह रहे हैं कि कितने किलोमीटर आ गए? 25-26 किलोमीटर वाले आगे जाके आएगा रास्ता। हाईवे रास्ता नहीं हाईवे, और जब भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी भी तो ऐसे ही जाना है भाई, जाना कहाँ पे? ऋषिकेश के लिए फिर प्लान में कभी ऋषिकेश के लिए फिर से अंदर से निकाल रहा रास्ता जो इस रास्ते में आ गया वो नहीं जाएंगे ऋषिकेश। कोटी देख ले, कोटी भी तो ऋषिकेश के पास है। हरिद्वार से हरिद्वार देख ले, हरिद्वार तो 106 किलोमीटर ही था पीछे से। हरिद्वार यहाँ से हमने राइट लिया था सीधा सीधा, सीधा जाता है ना वो जाता है। हाँ सही कह रहा है तुम, बिजनौर आ गए। हाँ अब तो हमें लेंस डाउन ही जाना पड़ेगा। है कुछ लेंस डाउन के कुछ और ही डाउन होगा। देखते हैं और बताते हैं और कुछ खाते हैं यार। आ चुके हैं पनीर के पराठे मिलते कहाँ के? ओ भाई कहाँ दे यार चल दे। ये भाई ने एक पराठा खा लिया है तू दूसरा लपेट रहा है। जलता है मुझे भाई, भाई भाई नजर तो लगा रहा है। कैसा पराठा गोलू? पानी दे यार गोल उसका तो मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई हरी मिर्च आ गई उसके नाम में। ये भाई सब चाय हमें तो पता ही नहीं। इंसान बन जाओ इंसान, इसको चाय बोल क्या, क्या हो गया गले में बज गया। और
बाकी वेरी इंटेलिजेंट ब्लॉगर गोलू की वीडियो बनेगी कर देना भाई एंगल पे और इधर सामने तो हो गया गाइस खाना पीना डन हालत बेकार अब निकलते हैं फिर से टूटने के लिए तैयार ओहो मस्त आ रही है वैसे वीडियो इधर से नहीं इधर से तैयार इधर से तैयार निकल रहे हैं अब खा पी लिया निकलो ना चला यार इसे अगले स्टॉप पे रुकेंगे वहाँ पे मिलते हैं हाईवे दिखा देगा इसको हाईवे ये हमारा हाईवे हाईवे आ गया है यही हाईवे शुरू से हमारा मिलते हैं आगे तो गाइस फाइनली हाईवे आ गया आप खींचे मारो एक और स्टॉप ये हमारा तीसरा स्टॉप अब ऐसे होगा फिर 10 पे होगा फिर 5 पे होगा 20 किलोमीटर चल के आए चार बजे चलेंगे सोएंगे सुबह आएंगे निकलेंगे चलेंगे घर बस जाना और आना चूम के फिर देख ले ऋषि के चलना है तो उल्टा है इसको कुछ नहीं पता इसको कुछ नहीं पता बोलो भैया क्या करना है किसी को करना है तो खुले में अभी तो नहीं आ रहा भाई हाँ हाँ निकाल लिया पिला रहे यार चले पिला कुछ कुछ खा पे थोड़ा सा मन तो नहीं था पर पी ले वो देखो उसके पीछे डाल के रखे यही कर रहा है का टाइम बिता के रखा हुआ अंदर ही जेब में डाले मुझे पता था अबे अपनी हो तो पता हो ना कहाँ कहाँ जेब है दूसरों की मांग के पहनेंगे तो ये ही नहीं पता होता कौन सी जेब कहाँ पर इसको बैग रहा है गोलो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टॉप पे 10 किलोमीटर बाद गाइस टंकी फुल हो रही है अब तीनों की हाँ भाई डन डन भैया गया है 5 लीटर 5.7 लीटर भाई सही से तो बंद कर ले यार ये देखो ये होती है गरीबी पेट्रोल डलवाते देखो सेकंड बंदे का नंबर पांच पॉइंट सेवन एट पेट्रोल चेक करवा दे भैया का है 5.66 7.8 अब आपका नंबर है हमने इसमें सिस्टम लगवा रखा है ना हाँ सबसे आगे आप चले हो ना इसीलिए आपका ज्यादा लगा अच्छा हाँ ये भी चले हवा चेक करवाने आए तीसरी बाइक का नंबर सबसे कम अभी का आया है भैया का है 5.56 कोई भैया ने सेटिंग बिठा रखी है इसके अंदर कुछ
सेटिंग बिठा रखी है इसके अंदर कुछ। गाइस देखिए लगता है लैंडस्लाइडिंग होने के, हाँ शायद से। बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे, देखिए पूरा का पूरा पहाड़ नीचे है। ये देखिए नई गाड़ी लेके आया यहाँ पे चेक करने। ओए होए कौन ही दे रहा, कितना साफ है उधर करके। बाप रे बाप, ये देखिए मुझे लगा सारे हैं। वो ले आगे ले गया वो, देखिए गाइस आप पहाड़ों के नीचे आ। मेरे ख्याल से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, सही कह रहा है गोलू। ये देखिए क्योंकि ऐसा हमको लगता है, ये देखिए क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। ये देखिए चले नहाने चले, ये वो ही होगा कोटद्वार, कोटद्वार को हाँ हाँ। तो भैया यही तो कह रहे नहाने चले, वो देख बंदे नहा रहे हैं। गाइस हम आ चुके हैं पहाड़ों पे। तो पहुंच गए पहाड़ों पे भाई, पापे चले पहाड़ पे। पहुंच गए भाई पहाड़ों पे, अब थक गए पर बहुत पूरी तरह। चल भाई चल बोलो भाई, आप ही रुकवाते फिर क्या। तो चल यार लक्की का वेट कर रहा था। चलो भाई मोहब्बत गई पहाड़ में, पापे गए पहाड़ में। चलो लगी गई एक और स्टॉप, अब जा रहे नीचे फोटो खिंचवाने। मस्त व्यू है भाई, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा के आना। मेरे खुद हो गया हाँ ठीक भैया। ये गए नीचे फोटो खिंचवाने, अभी हम पे बैठे हैं, फिर हम जाएंगे, फिर ये बैठेंगे क्योंकि सामान भी रखा है ना बाइकों पे और बाइक नीचे उतर नहीं सकती है, इसलिए हमारा रुकना जरूरी है। बाय। गोलू क्या हुआ भाई साहब, एक बंदे ने बताया यहाँ पे लेपर्ड आ जाते हैं भाई साहब ऊपर से, वो कह रहे ये तो रास्ता ही है उसका। गोलू भाई साहब गोलू गोलू की गांड पर लगी जब से भाई साहब गोलू नहीं रुक रहा। चलो भाई हम भी निकलते हैं, भाई साहब बंदों ने डरा दिया, जल्दी आ ये देख क्या उसको। भाई जब हमको एक बंदा मिला था वो लेपर्ड के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे लेपर्ड बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पूरा उसने कि टाइम से क्योंकि स्टे कर लेना ज़्यादा बार बार मत बोलता। अब गोलू बोलता है कि अपने होटल के गेट पे ना सुसु करके सो लिया, अब इससे उसकी खुशबू से ना लेपर्ड नहीं आते। ये आपने कहाँ देखा था? मैन वर्सेस वाइल्ड, ये भैया ने देखा था मैन वर्सेस वाइल्ड में। हो चुकी है हमारे साथ फिल्म, रूम हो रखे हैं सारे सोल्ड आउट, वीकेंड चल रहा है क्या कह रहा है? सारे सोल्ड आउट है ही नहीं, नहीं है या तो ऐसा करो ना इसको बोलो 6 बंदे को रोक ले, 5000 ले ले भाई 6 बंदे ले ले, क्योंकि 1000 रुपये तो लेके चली हम बंदे से। मिल तो रहा है रूम एक 5000 रुपये का, पर उसमें 4 बंदे रोक रहे हैं, अब बात करके देखना। ऐसे तो हम गरीब लगेंगे, अच्छा 5 में 2 है, 5 5 में एक बंदा रोक रहे हैं, तो हम उनसे बोल रहे हैं कि 2 बंदा रोक लो मेरे साथ से 6 ऊपर हो गया एक बार। और क्या बोलना गलू
क्योंकि वो आ गए क्या बंदे आपने साढ़े 5,000 रुपये में कुछ सोच मैं कह रहा 5,000 रुपये लेंगे चार बंदों के वो चले जाएंगे सीधा ये बताओ ना आपने चल फिर नेटवर्क नहीं आ रहे ना नीचे तो होटल देखते हैं उसका आ रहा है वो बहुत नीचे है देख देख अबे इसकी उम्र कितनी है किसकी अबे वो छोड़ना कितनी 18 प्लस ही है वो क्या करना है पांच एडल्ट में आएगा पांच एडल्ट खाले 6 एडल्ट भाई साहब रूम मिल जाए भाई साहब नहीं सो नहीं बैठ जाएंगे फिल्म हो जाएगी भाई साहब गंदी वाली दो चार अंदर सो जाएंगे दो बार बैठ जाएंगे भैया कोई बात नहीं दो दो सो क्या बोलो मजा आएगा एक नहीं सस्ता वाला देखना छह रूम दिखा रहा है बजट चैट कर पर बंदा 1,000 रुपए भी मिल जाए ना इस टाइम पे तो भी कर लेंगे सही बात और जल्दी टाइम से फ्रेश व्रेश होकर थोड़ा सा रेस्ट करके चलेंगे फिर चलेंगे तो सही पहले साढ़े आराम से पहले एक घंटे तक कमर तो सीधी करेंगे 1,000 रुपए तो वसूल अभी अभी इतनी थकान नहीं हुई वहाँ से पानी के वहाँ से निकले अभी इतनी थकान नहीं हुई मैं कह रहा हूँ कि रात को टाइम से मैगी बनवा रहा है क्या नहीं बोली अभी तो तू क्या कर रहा है अंदर बैठ क्या बोल रहा है तू रात को मैगी बोली थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आधा घंटा और चलेंगे फिर रात को टाइम से आके 1,000 रुपये वसूल तो कर ही लेगा तू वही तो रात को कौन सा तू जल्दी सो जाएगा रात को तो पढ़ते साथ ही नींद आ जाएगी भाई बैठोगे नहीं फिर तुम पढ़ते साथ ही नींद आ जाए तो घर पर पड़ जाते बेंच सही बात है ये भी सही बात है गोलू भाई हमेशा एकदम सच बात कहते हैं हमें तो लगती बुरी है गोलू लेपर्ड लेपर्ड वाला सीन क्या होता भाई अबे हम ऐसे मुड़े और लंगूर कूद के गया हाँ मजाक चढ़ के लोगों की फटके चार होती हमारी 64 हो गई थी भाई गोलू ने जो बाइक भगाई थी देखते हैं गाइस रूम का क्या सीन है मिलते हैं नहीं मिलते हो गया गाइस रूम बुक ये वाला हमारा रूम ये बाथरूम ये बाहर का व्यू मस्त गरम भी आता ना और ये है ब्यूटी ऑफ द लेंस डाउन ये भाई साहब मस्त है मिलते हैं आगे बातचीत करके क्या बात है क्या नहीं करते